नमस्कार, रेप्टिल आई में आपके साथ मैं हूं सिमरन कौर। मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार पुलिस अधीक्षक कोंडा संतोष कुमार मिश्रा ने मिशन शक्ति अभियान के दृष्टिगत महिला सशक्तिकरण हेतु शहर क्षेत्र में भारी पुलिस बल के साथ पैदल गश्त कर आम जनमानस को कराया सुरक्षा का एहसास। बाजार, मंदिर व भीड़भाड़ वाले स्थानों में आई महिलाओं बालिकाओं से संवाद करते हुए महिला हेल्पलाइन के बारे में भी जागरूक किया। 2 अप्रैल 2022 को पुलिस अधीक्षक गोंडा संतोष कुमार मिश्रा ने मिशन शक्ति अभियान के दृष्टिगत नारी स्वावलंबन सशक्तिकरण हेतु भारी पुलिस बल के साथ शहर क्षेत्र में पैदल गश्त किया, जिसमें गुरु नानक चौक, गुड्डूमल चौराहा, पीपल तिराहा, एकता चौक, चौक बाजार व अन्य भीड़ भाड़ वाले इलाकों में भारी पुलिस बल के साथ पैदल गश्त करते हुए पुलिस अधीक्षक ने बाजार में आई महिलाओं बालिकाओं से संवाद करते हुए महिला हेल्पलाइन 1090181 1098 1078 176 व UP 112 के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि किसी प्रकार की विषम परिस्थितियों में फोन करने पर तत्काल पुलिस सहायता उपलब्ध होगी। अभियान के तहत जनपद के समस्त क्षेत्राधिकारी व प्रभारी निरीक्षक, थाना अध्यक्ष व एंटी रोमियो टीम व पिंक स्कूटी दस्ता व पुलिस कर्मियों द्वारा अपने अपने क्षेत्रों में पैदल गश्त कर मिशन शक्ति अभियान को सशक्त बनाने हेतु महिलाओं से संवाद स्थापित कर सुरक्षा का एहसास कराया गया। यह अभियान अनवरत जारी रहेगा। इस अभियान का जनपदवासियों द्वारा काफी सराहना की जा रही है। तो आपको यहाँ आने जाने कोई दिक्कत, कोई छेड़खानी की समस्या, सुरक्षित महसूस करती हैं आप? वुमेन हेल्पलाइन नंबर क्या है? 1090। और आपत्ति, कोई अगर इमरजेंसी आ जाए तो कौन से नंबर पे आप डायल कर लेंगे? गुड, 112 पे भी आप कॉल कर सकते हैं और 1090 पे भी कॉल कर सकते हैं। और कोई छेड़खानी इत्यादि कोई समस्या इसमें नहीं है? पहले से बहुत अच्छा है। ठीक है, पुलिस आपको विजिबल है? व्यक्ति और मनबड़ है, गोली चलाने का प्रयास करेगा पुलिस पे, आमजन पे, तो उसी भाषा में उससे बात भी की जाएगी। तो ये पुरुष के हमारे जो साथी है, लड़के भी है, आदमी भी है, वो भी चीज को ध्यान रखे। और महिलाओं को तो हम लोग जागरूक करेंगे ही कि वो मदद के लिए 1090 हो, 112 हो, पिंक बूथ हो, महिला थाना हो, ये सब चीज आपके लिए बनी हुई है। क्लियर है हमारे सभी साथी? किसी भी महिला बच्ची के साथ कोई छेड़खानी इत्यादि की सूचना मुझे नहीं मिलनी चाहिए। क्या नहीं मिलनी चाहिए? इस तरह की घटना नहीं होनी चाहिए। मैंने जमावड़ा लगाया है तो उम्मीद करता हूँ कि ठीक आदमी होंगे। गलत आदमियों का, अपराधियों का जमावड़ा भी नहीं रहना चाहिए। कोई मुझे मालूम चल गया कि कोई अपराधी है तो इस मकसद से आया है किसी के साथ गलत काम करने, तो फिर मैं तो जमावड़ा यहाँ पे नहीं होना चाहिए। शरीफ लोग आए और जो बदमाश आए उनको सख्त हिदायत रहे कि भैया यहाँ से निकल जाओ। किसी तरीके का बदतमीजी तो कोई नहीं करता है। आप बाजार में निकले हो तो सुरक्षित महसूस करते हैं आप लोग? आपकी बेटी है तो आपके बच्चे को किसी तरीके की सुरक्षा या किसी तरीके का वो लगता है? नहीं लगता है। सुरक्षित महसूस कर रहे हैं अपने आप को? तो हम लोग, मेरी टीम हम लोग निकली है, यही सारे हैं, मैं हूँ, हमारी पूरी टीम है। महिलाओं की सुरक्षा के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी का जो अभियान है उसके तहत, मिशन शक्ति अभियान के तहत पूरी टीम निकली हुई है इस चीज के लिए कि हमारी जितनी भी जनपद गोंडा में यहाँ पे जो महिलाएं अपने आप को सुरक्षित महसूस करें, वुमेन हेल्पलाइन नंबर 1090 112 नंबर, इसको याद रखिए कि हमारी महिला इंस्पेक्टर है, महिला थाना पुलिस लाइन के पास है। अगर किस तरह की कोई बात होती है छेड़खानी से संबंधित हो या महिला को प्रताड़ित करने का, संपर्क कर सकते हैं, हमसे कर सकते हैं, सबसे कर सकते हैं। क्लियर? यूएफटी लाइव के लिए संवाददाता करीम खान की रिपोर्ट।